जा रहे दो छात्रों को रौंद दिया, जिससे एक छात्र की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि दूसरे की मौत इलाज के क्रम में हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक को घेर लिया व सड़क जाम कर दिया, जिससे वहां वाहनों की लंबी कतार लग गई व लोग हलकान होने लगे। घटना की सूचना पर स्थानीय थाना की पुलिस पहुंची व जाम हटवाने का प्रयास करने लगी, लेकिन लोग नहीं माने व हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद डीएसपी व अन्य थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर और मुआवजा देने का आश्वासन देकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह शिकारगंज थाना क्षेत्र की कठमालिया चौक के पास कोचिंग जा रहे दो छात्रों को रौंद दिया, जिससे दोनों छात्रों की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर खूब हंगामा किया व घटना की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया और उनका रो रो कर बुरा हाल होने लगा, जिसके बाद पहुंची पुलिस व डीएसपी ने काफी मशक्कत के बाद जाम को हटवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेजा। मामले के संबंध में लोगों का क्या कुछ कहना है ये सुनिए। सर, घटना हुआ है कि बच्चे दोनों साइकिल से पढ़ने जा रहे थे, ठीक है, और यहाँ टीला बना हुआ है और ट्रक आ रही थी पीछे से और दोनों बच्चा को बदन पे चढ़ा दिया है और चला गया है। हल्ला हुआ जब तक ड्राइवर जो है ना चला गया है। हम लोगों का मांग यही है कि सर, ये बच्चा जो है ना दोनों बहुत गरीब है और किसी तरह जो है ना पढ़ रहा था, उसको सही मुआवजा मिले और उसका जो है ना सही प्रक्रिया जो है ना वो हो, यही मांग है। वहीं इस संबंध में सिकरहना डीएसपी ने क्या कुछ कहा ये सुनिए। दो छात्र की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है, सबको जो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, उनके परिजनों को जो है जो भी सरकारी मुआवजा है आपदा के तहत भी दी जाएगी और हमारे प्रखंड से और मुख्यालय की तरफ से भी दी जाएगी। ये घटना जो घटी है, ट्रक पे दो दो नंबर दर्शाया गया है, इसमें कहां पे दे दिया जाएगा, ये तो जांच का है, ये तो उसका जो है इंजन नंबर चेसिस में पता चल जाएगा कि गाड़ी का क्या नंबर है कि ओवरलोड ट्रक है और इस रास्ते से बार बार।